आईपीएल 2024 की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 22 मार्च से टूर्नामेंट का आगाज होगा। पहला मुकाबला पिछली विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट से पहले आरसीबी के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली की वापसी पर दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने बड़ा अपडेट दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में निजी कारणों के चलते विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। उम्मीद यह है कि स्टार क्रिकेटर आईपीएल से वापसी कर सकते हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर ने आरसीबी के फैंस को एक ऐसा बयान दिया है जिससे आरसीबी के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने अनुमान लगाया है कि विराट आगामी टूर्नामेंट में खेलते नजर नहीं आएंगे। डिविलियर्स ने कहा, ऐसा अनुमान है कि कुछ कारणों से वह खेल नहीं रहे हैं, शायद हो सकता है कि आईपीएल के लिए भी ना खेलें। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने बेटे को जन्म दिया था। इसकी जानकारी विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दी थी। बल्लेबाज ने अपने इंस्टा हैंडल से बताया था कि 15 फरवरी को उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम उन्होंने अकाई रखा है। इसके अलावा 184 आईपीएल मैच में 5162 रन बनाने वाले एबी डिविलियर्स आगामी टूर्नामेंट में आरसीबी के साथ जुड़ सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर ने कहा, अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। विराट कोहली ने संकेत दिया है कि वह शायद चाहते हैं कि मैं उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए आऊं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। क्रिकेट की ऐसी ही शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।